नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आचार्य धर्मेंद्र का निधन, जयपुर में ली अंतिम सांस, राम मंदिर आंदोलन में थे सक्रिय। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज अपनी पार्टी का बीजेपी में करेंगे विलय। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान की होगी आज बैठक। मुंबई के जवेरी बाजार में बम की झूठी धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 4,858 नए केस। मोहाली की यूनिवर्सिटी के वायरल वीडियो कांड के बाद हॉस्टल की दो वार्डन हुई सस्पेंड। एमपी के रीवा में गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हुआ आज से शुरू, विधान भवन तक सपा निकालेगी पैदल मार्च। राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव किया पास। और महाराष्ट्र एटीएस से 15 लाख के इनामी माओवादी नेता को किया गिरफ्तार।